आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th सॉलिड स्टेट का, ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपको पैकिंग एफिशिएंसी बता दी थी FCC की, सिंपल क्यूबिक की और बॉडी सेंटर्स की। मैंने पैकिंग एफिशिएंसी बता दी थी 72%, 68% और 52% इनकी पैकिंग एफिशिएंसी आती है, तो मैंने डिराइव करके आपको बता दिया था। इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस पढ़ेंगे। अगर हमें किसी यूनिट सेल की डेंसिटी डिटरमाइन करनी हो तो हम कैसे किसी यूनिट सेल की डेंसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, और उससे हम बहुत सारी चीज़ों को डिटरमाइन करेंगे जिसमें कई सारे फैक्टर्स होंगे, और अगर कोई भी फैक्टर्स अननोन है तो वहाँ से हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि एक जेड नंबर होता है। पिछले सबसे पहले मैंने ऑफलाइन क्लास लिया था तो बताया था कि जो सिंपल क्यूबिक होता है, सिंपल क्यूबिक उसमें आता है 1, BC में आता है 2 और FCC में आता है 4। तो ये आपको दिमाग में रखना होगा कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन पढ़ने से पहले। तो सिंपल क्यूबिक में 1 होता है जेड का नंबर, तो और इसको हम स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं। तो अगर किसी चीज़ की डेंसिटी डिटरमाइन करनी हो तो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? मास अपान वॉल्यूम। डेंसिटी का जो जनरल फार्मूला होता है, मास अपान वॉल्यूम, ये हमारा डेंसिटी का सबसे जनरल फार्मूला है। तो इसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? अगर हम एक यूनिट सेल की बात करें तो मास ऑफ, हम डेंसिटी को लिख सकते हैं मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट, ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो हम जानते हैं कि सारे जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, क्यूबिक सिस्टम, जो क्यूब होता है उसके सारे जो एज लेंथ होते हैं वो बराबर होते हैं। इजंट क्लियर? अगर मास हमें निकालना है किसी यूनिट सेल का, अगर ये सपोज करिए हमारे पास ये है कोई सिस्टम, मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये एक सिस्टम है, अगर इसका जेड का जो नंबर है 1 है, तो हमें इस यूनिट सेल का मास निकालने के लिए क्या करना होगा? एक इस पूरे यूनिट मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए क्या करना होगा? और जेड इंटू यम इज द मास एंड जेड, जितने नंबर है उतने से एक के मास को, और कितना नंबर है, अगर 1 है, सिंपल क्यूबिक है मान लेते हैं, तो 1 इंटू मास, तो इसका मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा, हमारा मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। अगर BCC है तो 1 यूज करेंगे, सॉरी BCC है तो 2 यूज करेंगे, सिंपल क्यूबिक है तो 1 यूज करेंगे, और FCC है तो 4 यूज करेंगे। जन क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें तो एज लेंथ सब क्या होगा? ए होगा। तो अगर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए, a into a हो जाएगा कि नहीं? और ये अगर हो जाता है तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं aq। क्लियर है? तो डेंसिटी के लिए हम लिख सकते हैं क्या? जेड इंटू यम ए क्यू। अब देखिए, मास ऑफ 1 एटम है, ये मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम दिया हुआ है, तो यहाँ पे
हम क्या कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट अगर लगाते हैं तो एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से क्या हो जाएगा, एम कैपिटल एम बाई एन जीरो, एक ये फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला ये होता है यम एन इक्वल टू कैपिटल एम बाई स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, गिवन मास अपान मोलर मास, और एक फॉर्मूला ये होता है। तो इन दोनों फार्मूले का यूज करके हम यहाँ से डेंसिटी को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कुछ कैसे हम इस फॉर्मूले को पुट करेंगे और हम डेंसिटी को डिटरमाइन कर लेंगे इजीली, तो हम देखते हैं कि क्या करेंगे कि डेंसिटी हमारी डिटरमाइन हो जाएगी इजीली। तो देख लेते हैं कि कैसे हम डेंसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर हम फॉर्मूले इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए इस यम के जगह पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी इक्वल्स जेड इनटू कैपिटल एम अपान ए क्यू इनटू एन जीरो, ये हम लिख सकते हैं। इन दोनों फार्मूले का इस्तेमाल करके हम ये लिख सकते हैं एम एन नॉट, क्लियर है। तो यहाँ से ये हम फार्मूला डिराइव करते हैं। अब बात एक बता देना चाहता हूँ, ये जो है ये एज लेंथ जो है वो पिकोमीटर में आता है, तो 1 पिकोमीटर्स बराबर होता है 10^-12 सेंटीमीटर, पिकोमीटर की ये वैल्यू होती है। यम क्या है, मोलर मास। तो जैसे अगर सोडियम दिया हुआ है तो उसका मोलर मास आपको पता होगा, लेकिन एक सिंगल एटम अब का तुम मास में पता नहीं है ना, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और जेड अगर दिया है कि एफ सी सी है और उसमें सोडियम का एटम है, तो एफ सी सी है तो यहाँ पे 4 रख देंगे, और मोलर मास सोडियम दिया हुआ है तो 23 रख देंगे, और ये हमें पता है एज लेंथ दिया होगा, तो यहाँ से हम डेंसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये है हमारा इक्वेशन, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन, और ये इस तरह से हम डेंसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम आपको बताएंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स के बारे में हम बात करेंगे, क्लियर है। देखिए हम आपको एक बार बता देना चाहते हैं, इसमें 5 पैरामीटर्स हैं, डी डेंसिटी को डिनोट कर रहा है, जेड इफेक्टिव नंबर्स ऑफ द एटम्स को डिनोट कर रहा है जो मैंने वहाँ पे कारण में लिख रखा है। इसके बाद आप इससे बेस्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। तो इम्परफेक्शंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स। इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड जो है वो काफ़ी बड़ा लेक्चर होगा, जिसको हम एक पॉइंट इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके वजह से मैं केवल एक ही पॉइंट इसमें कवर करूंगा इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स में। तो आइए हम देख लेते हैं इम्परफेक्शंस इन सॉलिड क्या होता है। इम्परफेक्शन फैक्शंस इन
सॉलिड, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। अगर कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है, जो सॉलिड है उसमें कुछ इम्परफेक्शंस आ गया है, कुछ कमियां आ गई हैं, और उन कमियों को हमें पढ़ना है कि किस किस तरह की कमी हम सॉलिड में देख सकते हैं। तो ये जो है वो दो ब्रॉडली टू दो तरह का होता है, पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स, पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स। पहले हम समराइज कर देते हैं। देखिए, पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट, ठीक है। इनपरफेक्शंस इन सॉलिड ब्रॉडली टू टाइप में डिवाइड किया गया है, पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट। उसके बाद पॉइंट डिफेक्ट्स को थ्री टाइप में डिवाइड किया गया है, स्टाइकोमेट्रिक, स्टाइकोमेट्रिक में अब देखिए ये जो है पॉइंट डिफेक्ट्स को हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा है? सबसे पहले है स्टाइकोमेट्रिक इम्प्योरिटी, और तीसरा है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में हम पढ़ेंगे थर्मोडाइनेमिकल इफेक्ट्स, नॉन स्टाइकोमेट्रिक में हम पढ़ेंगे थर्मोडाइनेमिकल इफेक्ट। ध्यान से देखते रहिए, पॉइंट इनपरफेक्शंस इन सॉलिड में डिवाइड किया गया है पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट्स में, लाइन पॉइंट डिफेक्ट्स को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स और इम्प्योरिटी। इसमें सॉलिड की स्टाइकोमेट्री पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, स्टाइकोमेट्री इसमें नहीं गड़बड़ होती है। और थर्मोडाइनेमिकल इफेक्ट्स में हम देखेंगे दो तरह का इफेक्ट्स होगा, एक वैकेंसी डिफेक्ट्स और एक इंटरस्टीशियल इफेक्ट्स। थर्मोडाइनेमिकल में दो होगा, कौन सा? वैकेंसी और इंटरस्टीशियल इफेक्ट, या इसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट्स। तो ध्यान रहे, अब देखिए वैकेंसी डिफेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या है वैकेंसी डिफेक्ट। अब बस हम जान लेंगे इंटरस्टीशियल इफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट्स। अगर एक सॉलिड की स्टाइकोमेट्रिक कुछ इस प्रकार है, समझिए कि एक ये कोई क्यूब है और इसमें कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स हैं, इसकी स्टाइकोमेट्री में ये जो एटम्स हैं कुछ इस तरह से अरेंज हैं सपोज करिए, लेकिन यहाँ से एक एटम गायब हो जा रहा है और एक यहाँ से एटम गायब हो जा रहा है, तो क्या हो गया? यहाँ पे वैकेंसी आ गई, यहाँ पे जो स्पेस खाली था इस एटम के जाने की वजह से एक स्पेस खाली हो गया, तो क्या हो गया? वैकेंट हो गया, इम्पटी हो गया। अब बताइए ये जो डिफेक्ट्स है इसके वजह से सॉलिड के डेंसिटी पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। समझिए कि ये हमारे पास एक चाक का डिब्बा है, तो इस चाक के डिब्बे से मैंने एक चाक
और दो चार निकाल लिया, ठीक है, तो इसमें वैकेंट स्पेस हो गया। लेकिन ये चाक का डिब्बा तो दिख रहा है, लेकिन अगर इसको वेट करें तो इसके मास पे क्या हो जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा। जो पहले जो मास था इस चाक के डिब्बे का, वो कम, उस पहले से कम हो जाएगा, तो इसका मास कम हो जाता है। तो इस डिफेक्ट्स, ये जो वैकेंसी डिफेक्ट्स है, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड सम एटम्स आर सम साइट्स लैटिस साइट आर वैकेंट एंड दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज वैकेंसी इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है ये? वैकेंसी इफेक्ट डिफेक्ट है ये, डिफेक्ट्स। और इसके वजह से क्या होता है, मास पे इफेक्ट पड़ता है, और मास और डेंसिटी पे, मास डिक्रीज हो जाएगा और डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल भी डिक्रीज हो जाएगा। तो क्लियर होगा आपको वैकेंसी डिफेक्ट। अगर किसी सॉलिड से किसी एटम्स को निकाल दिया जाता है तो वहाँ पे कुछ स्पेस खाली हो जाता है, और उस स्पेस के खाली होने के वजह से उसका मास और डेंसिटी दोनों ही कम हो जाता है, और ये थर्मोडाइनेमिकल इफेक्ट है। अगर किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके कुछ ऐसे साइड्स होते हैं जो एनर्जी को ऑब्टेन करके यहाँ से इस लैटिस साइड को छोड़ के चले जाते हैं, तो इस तरह के इफेक्ट्स को हम बोलते हैं कौन सा, वैकेंसी डिफेक्ट्स एंड डेंसिटी कम हो जाती है। इसके बाद इंटरस्टीशियल इफेक्ट्स की बात करेंगे। इंटरस्टीशियल डिफेक्ट्स, देखिए इसको मैं यहीं रहने देता हूं और स्टेप बाय बात करता हूं। इंटरस्टीशियल डिफेक्ट्स, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट्स क्या होते हैं? इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट बस हो गया। इंटरस्टीशियल डिफेक्ट्स, अगर ये देखिए, अगर ये है, ये अगर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, ठीक है, अब इसमें कई तरह के होते हैं। इंटरस्टीशियल डिफेक्ट्स दो तरह का होता है, एक फ्रेंकल होता है और एक शॉटकी होता है। तो इसमें डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। इंटरस्टीशियल साइट में अगर कोई फॉरेन एटम आ जाए यहाँ से तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर कोई फॉरेन एटम इंटरस्टीशियल स्पेस में आता है तो क्या हो जाता है, मास भी इंक्रीज करता है और डेंसिटी भी इंक्रीज करती है। तो ऑप्शनल क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है किस टाइप के डिफेक्ट्स में मास डेंसिटी इंक्रीज करती है और किस टाइप के वैकेंसी डिफेक्ट्स इफेक्ट्स में मास डेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज करती है। तो आप बता सकते हैं वैकेंसी डिफेक्ट में डिक्रीज करती है और इंटरस्टीशियल इफेक्ट में इंक्रीज करती है। तो दैट्स ऑल। इसके बाद हम फ्रेंकल और शॉटकी टाइप्स के इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे।